बच्चे आज भी जमा होते हैं पार्क में, मगर नहीं आता वो कहानी सुनाने वाला। तमसा नदी तट पर बने अंबेडकर पार्क, जो कि अकबरपुर अयोध्या मार्ग पर स्थित है, यहाँ पर बहुत खूबसूरत हरियाली है जो कई लोगों को खुद के पास आने के लिए प्रेरित एवं आकर्षित करता है। यह सप्ताह के सातों दिन खुला रहता है। इतनी खुली जगह और तरह तरह के फूल, गुलाब का बगीचा और बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। यहाँ का दृश्य बहुत ही मनमोहक है। यहाँ पर आप बैठकर बहुत आराम एवं शांति महसूस करेंगे। मायावती का ड्रीम प्रोजेक्ट राजकीय डॉक्टर अंबेडकर उद्यान 1995 में जिला बनने के बाद यहाँ के लोगों के लिए मनोरंजन एवं घूमने टहलने के लिए रमतुल्ला बाबा के बगल में अंबेडकर पार्क बनाने की घोषणा की गई। उसके उपरांत एक भव्य पार्क का निर्माण किया गया। पार्क में लोगों के मनोरंजन के लिए झील, झूला, बोटिंग आदि की व्यवस्था की गई। कुछ सालों तक पार्क में सभी सुविधाएं लोगों को मिलती रही, लेकिन समय के साथ साथ बंद होता चला गया। देखरेख व बजट के अभाव में पार्क बदहाल हो गया। झील सूख गई है, बोटिंग बंद हो गई है, साथ ही पार्क में लगा फव्वारा बरसों से खराब है। बजट ना होने से इनकी मरम्मत नहीं हो रही। यह पार्क लोगों के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं था, किंतु समय के बदलते समय यह एक अभिशाप के रूप में परिवर्तित हो गया है। यदि समय रहते सरकार द्वारा इस पर समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह दिन के दिन खराब और बदतर स्थिति में पहुंच जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें, जिससे हमें एक प्रेरणा मिलती है। जय हिंद, जय भारत। उसे देखकर लगता ये है बाहर खेले, पार्क कहाँ है? पार्क में गाड़ियां खड़ी अवैध, बचपन रह गया घरों में कैद।